हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर पहुंचे राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने कहा, प्रदेश में गठबंधन पार्टियों को धूल चटाने का काम करेगी बीजेपी। समारोह में जूते की दुकान पर पुलिस ने मारा छापा, भारी संख्या में स्टार गोल्ड के नाम से नकली जूते बरामद। सीओ कोतवाली ने कहा, 177 बंडल शूज बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। नंदा नगर संपार फाटक पर निर्माणाधीन अंडरपास का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण, कार्य हुआ पूरा। शाम को 8:25 पर पहली सकुशल गुजरी मालगाड़ी ट्रेन। सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत मंडलायुक्त ने किया वार्डों का निरीक्षण, सफाई व्यवस्था पर दिखाई नाराजगी, कहा सुधर जाए सफाई सुपरवाइजर, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक हुई संपन्न, 2019 के चुनाव में केंद्र में भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने का किया आह्वान। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की महिला और पुरुष टीम 12वीं अखिल भारतीय पुरुष और महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की बनी चैंपियन। निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए मतदेय स्थलों पर चला विशेष अभियान, युवा वोटरों ने मतदाता बनने के लिए भरे फॉर्म। अपर नगर आयुक्त ने वार्डों की साफ सफाई का किया निरीक्षण, बेतिहाता क्षेत्र के खंभों पर लगे होर्डिंग हटवाए, कहा दोबारा लगी होर्डिंग तो वसूलेंगे जुर्माना। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष और पार्षद ने विद्युत विभाग पर लगाया उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप, कहा मीटर चेकिंग के नाम पर विभाग कर रहा है मनमानी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न हुई पीसीए प्री की परीक्षा। और संस्कृत कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का SSP ने किया शुभारंभ, टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच आतिफ क्रिकेट अकेडमी ने 9 विकेट से जीता।